हेलो फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल शाही टुकड़ा। आपने शाही टुकड़ा तो खाए होंगे, पर मेरी वाली रेसिपी एक बार ट्राई करके देखिएगा। देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ ब्रेड्स लिए हैं और ये मेरे पास टिफ़िन है ट्रांसपेरेंट, इसमें हम रखेंगे बना के। ये मैंने इसके साइज़ का ब्रेड को कट कर लिया है इसके साइज़ में। अब हम ब्रेड को तवे पे सेक लेंगे। ये मैंने ब्रेड के टुकड़े लिए हैं कुछ, ये नारियल, ये घरी घिसली है, और ये सिमई की मामी, जो मतलब हम लोग रक्षाबंधन और ईद पे बनाते हैं वो पतली वाली, ये चार इलायची और ये बादाम और ये कुछ मखाने। इसे मैंने देसी घी में भून के इनके टुकड़े कर लिए हैं। इससे क्या है, क्रंची क्रंचीपन आता है। अब हम ब्रेड को सेंक लेंगे। ये मैंने घी लगाया। इसे सेंक के हम करारा कर लेंगे। चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि हेल्थ भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए। ऐसे मैं घी में भून लूँगी थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही सारे ब्रेड को हम सेंक लेंगे करारा होने तक। देखिए, मेरे सारे टुकड़े मैंने सेंक लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं, टूट रहे हैं एकदम। अब हम आगे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और ये जो सिमई थी उनको भूनेंगे। ये देखिए, मैंने भून के निकाल लिया है इसको। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। अब उसमें 1 कप के करीब चीनी डालेंगे। और इसमें पानी डालेंगे 1 कप। मुझे थोड़ी सी चीनी कम लग रही है इसलिए मैं 1/2 कप और डाल रही हूँ। इसकी पतली चाशनी बना लेंगे। जब तक हमारी चाशनी हो रही है तब तक हमने दूध एक पैन में उबलने रख दिया है। चाशनी हमारी बॉयल हो गई है। हमें इसे तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिंपल चाशनी बनानी है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, रेड फूड कलर। देखिए, और इलायची पाउडर, ये मैंने इलायची कूट के डाली है।
थोड़ी देर हम इसे और उबलने देंगे। ये देखिए मेरा दूध उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध का पाउडर, सूखा दूध जिसे बोलते हैं ना हम, वो चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये मैंने सूखा दूध डाला था, वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। आप इसको पहले कटोरी में दूध में मिक्स कर लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालें। मैंने इसको डायरेक्ट मिक्स कर दिया, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इसको मिलाने में। इसको टाइम ज़्यादा लगेगा अगर आप डायरेक्ट डालेंगे दूध, तो मिक्स करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप एक कटोरी में लेके दूध में मिक्स कर लेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। मेरा मिक्स हो गया है, हमने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च दूध में मिला लिया है। अब इसको फेंट लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने फेंट लिया है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप अरारोट मिला सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में मिलाएंगे। देखिए मैंने पूरा मिला लिया और ये देखिए गाढ़ा हो गया। अब इस पर हम गैस बंद कर देंगे। हमारा तैयार है बैटर। रबड़ी हमारी तैयार है, देखिए। अरे हमने आपको बताया नहीं, इसमें मेन चीज़ तो रह ही गई रबड़ी में। अब हम डालेंगे चीनी। चीनी के बिना क्या स्वाद। ये लीजिए मैंने डाल दी चीनी, इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। घुलने के बाद रेडी। देखिए हमारी चीनी घुल गई है। चीनी का घोल तैयार किया था। अब हम इसमें ब्रेड को डिप करेंगे। अब इस टिफिन में सेट करेंगे। ऐसे ही हम सारी ब्रेड को डिप करके, ये मैंने सारी डिप करके सेट कर ली है। अब इसमें ऊपर से जो मैंने रबड़ी तैयार की थी वो मिलाएंगे। देखिए ये मैंने सेट कर लिया है, देखिए। उसके बाद ये जो सेमई थी इसको, ये चाशनी, थोड़ी सी चाशनी इसमें मिलाएंगे, इसको मीठा कर लेंगे थोड़ा डाल के। इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद इसमें हम गरी मिलाएंगे, अच्छे से गार्निश कर देंगे।
अब जो हमने चाशनी मिला के सिमई रखी थी उसको हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा इस पे। ये देखिए मैंने इसमें सिमई डाल दी है। अब इसमें हम बादाम डालेंगे, बादाम के टुकड़े। अब हम इसमें मखाने डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी मेवा डाल सकते हैं, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, बादाम है, कुछ भी डाल सकते हैं आप मेवा। देखिए ये देखिए हमारी डिश तैयार है, कैसी लग रही है आपको? क्रिसमस स्पेशल डिश आप भी बनाइए, आप भी खाइए और हमें कमेंट में बताइए कैसी बनी आपकी और कैसा खाने में टेस्ट है, आप इसको ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, मैरी क्रिसमस।